नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चल रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली और यूपी के दौरे पर रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि सीएम बघेल की कांग्रेस अलाकमान के साथ बैठक होगी, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को मंजूरी मिल सकती है। खास बात यह है कि सीएम बघेल भी दिल्ली जाते जाते मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान दे गए, जिससे सुगबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की होने वाली बैठक में शामिल होने पहुंचे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में वो अगले दो दिन तक आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिल्ली जाने से पहले जब सीएम भूपेश बघेल से मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि अलाकमान से अपॉइंटमेंट मिले तो इस पर बात होगी। लेकिन उनके इस बयान से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद सीएम ये मुद्दा उठाएंगे और अगर कांग्रेस अलाकमान से हरी झंडी मिलती है तो प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। खास बात यह भी है कि सीएम बघेल की राहुल गांधी से भी मुलाकात होगी। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ में कैबिनेट के फेरबदल पर चर्चा हो सकती है। बघेल सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम बघेल ने रायपुर में भी कहा था कि छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है, जिसके बाद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर को सीएम ने रायपुर में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना भी जताई थी। सीएम के इस संकेत के बाद प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है। ऐसे में सीएम बघेल दिल्ली दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि अब सीएम बघेल के वापस लौटने का इंतजार है, क्योंकि इसके बाद कोई बड़ा फैसला हो सकता है। खास बात ये भी है कि मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा के बाद मंत्री बनने का सपना देख रहे विधायक भी अब एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लंबे समय से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चल रही थी और इसी बीच में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली और यूपी के दौरे पर रवाना हो गए हैं। और बात यह भी सामने आ रही है कि अब जल्द ही छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। छत्तीसगढ़ के सभी 15 नगरीय निकायों में मतदान संपन्न हो गया है। 10 जिलों के 15 नगरीय निकायों में आयोजित मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 385 वार्डों में हुए चुनाव में 1393 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 370 वार्डों में हुए आम निर्वाचन में 1345 उम्मीदवार और उप निर्वाचन के 15 वार्डों में 48 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 23 दिसंबर को नतीजे आने का इंतजार है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस चुनाव में 4,88,425 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2,48,041 पुरुष और इसी के साथ में 2,40,369 महिला और 15 तृतीय श्रेणी समुदाय के वोटर शामिल हैं। आम चुनाव की अगर बात की जाए तो 15 नगरीय निकायों में 60.60% वोट पड़े, जबकि उप निर्वाचन का मतदान प्रतिशत 64.85% रहा। इसमें कुल 65.60% पुरुष तो वहीं 64.12% महिला मतदाताओं ने वोट डाले। सभी जगह शांति से मतदान संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिवकुमार ढेरिया की अनुशंसा पर रायपुर जिले के आरंग विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 सिंचाई योजनाओं के लिए 14,61,67,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्री ढेरिया ने लोगों की मांग और आवश्यकता को देखते हुए इन कार्यों को स्वीकृति प्रदान की। डॉक्टर ढेरिया की अनुशंसा पर रायपुर के आरंग के स्वीकृत कार्यों में अमेठी तटबंध के निर्माण कार्य के लिए 8,54,96,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं और वहीं सिंचाई योजना के इन कार्यों के पूर्ण हो जाने पर क्षेत्रीय किसानों का सिंचाई की सुविधा मिलेगी। और इसी के साथ में कुरूद जलाशय के जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग के लिए 4,77,80,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। सिंचाई योजना के इन कार्यों के पूर्ण हो जाने पर क्षेत्र के किसानों को 45.28 हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा मिलेगी।
मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके लिए सरकार कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। सीएम शिवराज के इस बयान के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि फिलहाल पंचायत चुनावों को टाला जा सकता है। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। इसे देख सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी कि पिछले तीन दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा हुई है। अब मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया था कि ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को छोड़ बाकी सभी सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे और तय समय पर कानून के दायरे में चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। इस फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच तक 98,319 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। इसके बाद से ही कांग्रेस का सड़क से लेकर सदन तक ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के साथ कांग्रेस ने जो पाप किया है वो विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाने से दब नहीं जाएगा। सरकार नियम प्रक्रिया के अनुसार सदन में हर चर्चा के लिए तैयार है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग के साथ छल कर कमलनाथ जी का उत्तर प्रदेश जाना सही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको ओबीसी वर्ग से जुड़े विषय पर क्षमा याचना मांगनी चाहिए। स्थगन लाने से कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के साथ पाप किया है वो तो दब नहीं जाएगा। ऐसा जघन्य काम किया है। लोकतंत्र के अंदर हम जनता की अदालत को सबसे बड़ी अदालत मानते हैं। चुनाव में क्यों नहीं गए जनता की अदालत में, वहां से जीत के आते, न्यायालय में पहुंच गए और सारे के सारे परिदृश्य को बदल दिया। अब बात मांग करेंगे स्थगन की, सरकार नियम प्रक्रिया से जो भी चर्चा चाहेंगे हर चर्चा के लिए तैयार है। आज हाई कोर्ट में फिर सुनवाई, निश्चित रूप से जो न्यायालय निर्णय देगा मान्य किया जाएगा। कमलनाथ उत्तर प्रदेश जा रहा है, उत्तर प्रदेश में है क्या? अब ऊपर से आदेश आया होगा तो निश्चित रूप से जाएं, पर मेरे ख्याल से इस प्रदेश के ओबीसी के साथ छल करके ऐसे जाना ठीक नहीं है। नेता प्रतिपक्ष है वो, और महत्वपूर्ण विषय उन्होंने प्रदेश में उनकी पार्टी के लोगों ने उठा दिया है, उस पर सारगर्भ चर्चा करें और जनता से क्षमा मांगे। मध्य प्रदेश में रह के तो जा। मध्य प्रदेश में प्याज खरीद घोटाले में जांच के आदेश देना वरिष्ठ आईएएस अफसर कल्पना श्रीवास्तव को भारी पड़ गया है। कल्पना श्रीवास्तव का ट्रांसफर कर दिया गया है। बता दें कि उद्यानिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों के लिए प्याज की खरीदी की गई थी। इस खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद प्रमुख सचिव उद्यानिकी कल्पना श्रीवास्तव ने एक्शन लेते हुए आयुक्त मनोज अग्रवाल से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद शनिवार रात तक उनका तबादला कर दिया गया था। कल्पना श्रीवास्तव को उन अधिकारियों में से एक माना जाता है जो अपने बेहतरीन और निष्पक्ष काम के लिए जाने जाते हैं। कल्पना श्रीवास्तव को अब तक के कार्यकाल में अपने बेहतरीन काम के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कल्पना श्रीवास्तव के ट्रांसफर से राज्य कर्मचारी संघ बेहद नाराज है। दरअसल अधिकारी के ट्रांसफर के आदेश छुट्टी के दिन दिए गए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने इस तबादले का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्याज खरीद घोटाले में जांच के आदेश देने के बाद आईएएस अफसर कल्पना श्रीवास्तव का तबादला कर दिया गया है, जिसके बाद से कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। और इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने इस तबादले का विरोध किया है और साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
प्याज खरीद घोटाले की जांच कर रही आईएएस ऑफिसर कल्पना श्रीवास्तव का तबादला कर दिया गया है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं इसके बचाव में मध्य प्रदेश की कृषि मंत्री ने भी बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। सब कुछ अजूबा चल रहा है, ईमानदार फर्श पर है और भ्रष्ट मौज उड़ा रहा है, और यह सब सरकार के मुखियाओं के संरक्षण में चल रहा है। विडंबना है कि प्याज के बीज के जिस घोटाले को लेकर मनोज अग्रवाल जी, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, उनकी जांच पीएस आदरणीय कल्पना श्रीवास्तव जी ने की, तो जांच अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया, पीएस पद से हटा दिया। ये तो मजाक है। वो कल्पना श्रीवास्तव जी कोई सामान्य अधिकारी नहीं है। मध्य प्रदेश के आईएएस क्षितिज पर उनकी इमेज एक सख्त, ईमानदार और बेहतर अधिकारी और उम्दा अधिकारी के रूप में है। यदि सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर पा रही है, तो आप सोचिए कि सरकार क्या है। मुख्यमंत्री जी कितना भी कहते फिरें कि मैं भ्रष्टाचारियों को जमीन में गाड़ दूंगा, भ्रष्टाचारी लोग इतने जमीन से ऊपर हैं कि वो सरकार और नेताओं को गाड़ने की क्षमता रखते हैं। नहीं, ये सीधी तौर पर एक महिला आईएएस का अपमान है, एक दक्ष और ईमानदार आईएएस का अपमान है। और यदि प्रदेश में ऐसा ही होता रहा तो मध्य प्रदेश से ईमानदार अच्छे आईपीएस और आईएएस प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जो चंद बचे हुए आईएएस आईपीएस हैं वो लोग भी सरकार से मुक्ति पाने की कोशिश करेंगे। देखिए, असल में हो क्या रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज चौहान के नेतृत्व में ये आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का विश्वास खोती जा रही है। एक बहुत ही अच्छी अधिकारी कल्पना श्रीवास्तव जी, जो मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, इतनी ईमानदारी से इस घोटाले की जांच जो मनोज अग्रवाल पे चल रही थी, बड़ी ईमानदारी के साथ सही बिंदुओं पे जांच कर रही थी, सारा घोटाला पकड़ लिया, तो ऐसे अधिकारी को पुरस्कृत करने की बजाय आप उसे सजा दे रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं। ये पूरा की पूरा मध्य प्रदेश शिवराज चौहान के नेतृत्व में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। तो ना कोई अधिकारी ढंग से काम कर रहा है, ना प्रदेश की सही ढंग से सेवाएं हो पा रही हैं। ये गलत परंपरा शिवराज के नेतृत्व में डली है। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और अगर कहीं भी घोटाला हुआ तो उसको उजागर करेंगे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि इन दो वर्षों के अंदर, जब से मैं कृषि मंत्री बना हूँ, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, हमने हर नीति जो किसान के हित में थी उसको ठीक किया है, जो गलत नीति थी जिससे किसान को घाटा होता था उसको परिवर्तन किया है। और कांग्रेस कमलनाथ जी ने तो पूरे प्रदेश के साथ अन्याय किया था, सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 क्विंटल चना खरीदा, पूरे प्रदेश में 15 कर दिया था, हमने 20-20 किया, और उसके कारण जो समर्थन मूल्य से नीचे बिक रही थी फसलें 2500 से 3800 वो 4500 से 5600 हो गई जो पहले खरीदना, इस बार चना, सरसों, मसूर, सोयाबीन, कपास, हर फसल समर्थन मूल्य से ऊपर बिक रही है, और 14,000 करोड़ से भी अधिक राशि किसानों को हमने दी, जो बिचौलियों के पास जाती थी वो किसानों को दिलाई। मध्य प्रदेश में हर दिन डबल डिजिट में आ रहे कोरोना के केस तीसरी लहर के संकेत दे रहे हैं। आईआईटी के सीनियर साइंटिस्ट पद्मश्री प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल जनवरी के आखिरी या फरवरी की शुरुआत में देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका पहले ही जता चुके हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 32 दिन में 524 केस मिल चुके हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच दिसंबर से ही केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 24 नए केस मिले हैं। सोमवार को इंदौर में 6 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये लोग यूएसए, यूएई, तंजानिया, घाना से इंदौर लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अब इनके संपर्क में आए लोगों की जानकारी निकाली जा रही है। इंदौर में विदेश से लौटे पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12 पहुंच चुकी है। जो नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं उनके सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भेजे गए हैं। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 23 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर नए आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.004% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल 53,556
हमने संपूर्ण प्रदेश से सैंपल लिए। दो प्रकरण संदिग्ध हैं, उनका सैंपल अब दिल्ली के लिए। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई। उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भोपाल में लागू की गई पुलिस कमिश्नर प्रणाली को प्रभावी रूप से अमल में लाया जाएगा। आम नागरिकों को इसका एहसास भी होना चाहिए। पुलिस जनता के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करे और आपराधिक के खौफ को पैदा ना होने दे। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस आधुनिक तकनीक को अपनाए। इसकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अत्याधुनिक तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लाभों से जनता को अवगत कराने के लिए कहा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद सोमवार को इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल में दिए जा रहे प्रशिक्षण का जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान पुलिस अफसरों के लिए आयोजित प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भोपाल पुलिस कमिश्नर प्रणाली में बेहतर कार्य करे और प्राप्त एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के दायित्वों को पूर्ण जवाबदेही से निर्वहन करे। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण व्यवहारिक हो जिससे पुलिस कमिश्नर प्रणाली का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने कहा कि इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद अपराध नियंत्रण के सकारात्मक परिणाम अपेक्षित हैं और इसी के साथ में कहा कि पुलिस को सौंपे गए नए दायित्वों में कोई लापरवाही न बरती जाए और इसी के साथ सिस्टम के क्रियान्वयन को देश में सबसे अच्छा बनाने के लिए सभी से अपना शत प्रतिशत सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया। क्राइम ब्रांच ने इंदौर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियारों के जखीरे के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 55 देसी पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। खरगोन का एक
सिकलीगढ़ और देवास की दो हथियारों के सप्लाई को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी एमपी सहित अन्य प्रदेशों में अब तक बड़ी संख्या में अवैध हथियार खपा चुके हैं। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई और आरोपियों के नाम आने की उम्मीद है। दरअसल खरगोन के आसपास के जंगल में बनी अवैध पिस्टल बनाने की फैक्ट्री के साथ 55 देसी कट्टे और पिस्टल इंदौर क्राइम ब्रांच टीम ने बरामद किए। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने बताया कि ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार की जारी है और इस कार्रवाई में पुलिस आयुक्त मनीष कपूरिया के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी कि मुख्य तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ में संगठित अपराधों के विरुद्ध हम लोग एक लगातार बड़ी कार्रवाई करते रहेंगे और इस दौरान इस मुख्य तौर पर इस कार्रवाई में एडिशनल सीपी मनीष कपूरिया जी के नेतृत्व में एक टीम इन्होंने के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है जिसके पास से लगभग 55 पिस्टल्स मिली हैं जो कि अलग अलग जगहों पे इनका प्लान था उसको अलग पंचायत चुनाव के मद्देनज़र भेजने का। साथ ही साथ कुछ राउंड इनके पास से कारतूस भी मिले हैं और इस कार्रवाई के बाद पुलिस को न सिर्फ ये हथियार मिले हैं बल्कि इसको बनवाने के कुछ जो फैक्ट्री है उसको भी पुलिस ने रिकवर किया है। साथ ही साथ दो और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, उन दो लोगों को भी जो कि इसको बेचने में और साथ में इनके मददगार थे। इसे मुख्य तौर पे इसे बताया ये एडिशनल सीपी हमारे डीसीपी हेडक्वार्टर डीसीपी क्राइम और एडिशनल एसपी क्राइम इनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ हम लोगों की आगे भी कुछ इस तरीके की जानकारियां मिली हैं जो स्थानीय तौर पर हथियारों का मुख्य तौर पे अलग अलग जगह सप्लाई करते थे, कुछ संगठित अपराधियों के साथ उनके संबंध थे, उस मामले में भी पुलिस लगातार नजर बनाए हुए और आने वाले दिनों में इससे जुड़े कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मंगलवार सुबह नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। यहां के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों की टुकड़ी पर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। राहत की बात यह रही कि इस ब्लास्ट में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हालांकि एक जवान मामूली रूप से जरूर घायल हो गया। दंतेवाड़ा एसपी ने बताया कि नक्सलियों का इरादा बड़ा हमला करने का था, इसके लिए उन्होंने आईईडी का इस्तेमाल किया। एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि यह हमला सुबह 8 बजे किया गया था। उस समय सभी जवान बोडली कैंप से करियामेट की ओर ऑपरेशन के लिए निकले थे। कैंप से करीब 650 मीटर की ही दूरी पर नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया जिसमें एक जवान घायल हो गया, अन्य सभी सुरक्षित हैं। एसपी अभिषेक ने बताया कि तलाशी के दौरान मौके पर से 4 जिंदा आईईडी बम बरामद हुए। मामले की और जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतें काम करेंगी। पर्यावरण अनुकूलन के साथ ही ये काम पंचायतों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया भी बनेगा। कार्बन क्रेडिट से विदेशी मुद्रा आय के अवसर भी मिलेंगे। सोमवार को इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और पंचायत विभाग के शीर्ष अधिकारियों की बैठक के इस संबंध में कामों की रूपरेखा तैयार की गई। दरअसल ग्लासगो पर्यावरण समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्राचीन काल में भारत ने ही दुनिया को सही दिशा जीवन शैली का मूल मंत्र दिया था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को नियंत्रित करने के क्षेत्र में भारत द्वारा शीघ्र ही कुछ नया और अच्छा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री की इसी इच्छा के अनुरूप देश में इस क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों से कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए पर्यावरण अनुरूप योजनाएं संचालित की जाएंगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों को ही निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।